दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हम वर्डप्रेस कैसे सीख सकते हैं और वर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या सीख सकते हैं तो so, जो एक सवाल बनता है वो ये है कि वट विल यू लर्न आप इस पूरे कोर्स में क्या ऐसी चीज़ सीखेंगे कि यू विल बी एबल टू बिकम सक्सेसफुल और मेरे पास बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं ऑफ़ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड फ्री लांसर्स जिन्होंने वर्ड प्रेस को यूज़ करते हुए ना सिर्फ पैसे कमाए बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी चेंज कर दिया सो माई होप इज़ दैट यू विल लर्न एवरी थिंग अबाउट वर्ड प्रेस मेरी उम्मीद है कि इस कोर्स को आ, सीखते हुए या इस कोर्स को यूज़ करते हुए इसके लेसन के साथ चलते हुए आप वर्ड प्रेस के बारे में सब कुछ जान जाएंगे एंड यू विल बिकम अ वर्ड प्रेस चैम्पियन वर्ड प्रेस चैम्पियन बनना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपको वर्ड प्रेस की सारी स्किल्स आ जाएं, बल्कि वर्ड प्रेस चैम्पियन बनने का ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आप वर्ड प्रेस को यूज़ करते हुए आमदनी कमा सकें आप वर्ड को यूज करते हुए दूसरे लोगों को सिखा सकें कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी जो है वो बदल सकते हैं माई होप इज़ के वी मेक यू केपेबल इनफ टू नॉट जस्ट लर्न बट टीच वर्ड प्रेस वर्ड प्रेस ने मेरी जिंदगी भी इसी तरह बदल दी कि मैंने वर्ड प्रेस को जब सीखना शुरू किया तो आई वॉज एबल टू मेक मनी फॉर माई सेल्फ एंड आई वॉज एबल टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स जिसकी वजह से मुझे एक पैसिव इनकम भी आना शुरू होगी और वर्ड की खास चीज ये कि वर्ड को ना सिर्फ आप यूज करते हुए पैसे बना सकते हैं बट वर्ड को आप सिखा के भी पैसे बना सकते हैं देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स आउट देयर हु वुड एक्चुअली पे यू टू टीच वर्ड इस कोर्स से रिलेटेड स्पेसिफिकली लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द लर्निंग आउटकम्स लर्निंग आउटकम्स क्या होती हैं लर्निंग आउटकम्स आर की आउटकम्स या की गोल्स या की ऑब्जेक्टिव फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स जो हमने आपके लिए रखे हैं कि आप इस कोर्स और इस पूरे जो लेसन का एक ग्रुप है उसको लेके क्या कर सकेंगे नंबर वन नो वाई यू नीड वर्ड प्रेस एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने कहीं कील ठोकना हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने यूज करना है या कोई और आला यूज़ करना है सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो वाई यूर डूइंग समथिंग जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया ऑब्जेक्टिव के एक लेसन में सो वी विल टीच यू कि आप अपना ऑब्जेक्टिव कैसे सेट कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नो कि आप वर्ड प्रेस क्यों यूज करना चाह रहे हैं क्योंकि वर्ड प्रेस इज लाइक अ स्विस आर्मी नाइफ जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे भी फर्दर लेसन में बात करेंगे इट गिव्स यूर लॉर्ड ऑफ डिफरेंट फंक्शनैलिटीज आपने सोचना है आपने डिसाइड करना है आपने देखना है कि वर्ड प्रेस आप किस तरह से यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे नंबर टू सेटिंग अप एन अकाउंट ऑन द वर्डप्रेस प्रेस प्लेटफॉर्म वर्ड प्रेस हमें दो तरह के प्लेटफॉर्म्स ऑफर करता है वर्ड प्रेस डॉट कॉम और वर्ड प्रेस डॉट ऑर्ग ये दोनों प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटी ऑफर करते हैं और हम आप पे ये डिसीजन छोड़ना चाह रहे हैं कि बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट यू वांट टू डू यू डिसाइड कि आपने वर्ड के प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से यूज करना है और किस तरह से उसकी फीचर्स को यूज करते हुए अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करना है या अपनी साइट खड़ी करनी है या क्लाइंट को सर्विसेज ऑफर करनी है नंबर थ्री इज अंडरस्टैंडिंग सेल्फ होस्टेड वर्ड प्लेटफॉर्म क्या होता है तो सेल्फ होस्टेड वर्ड प्लेटफॉर्म जिसको हम वर्ड डॉट ऑर्ग भी कहते हैं इज अ फ्री सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट विद योर ओन नेम इसके बारे में भी हम बात करेंगे और ये भी आपकी एक लर्निंग आउटकम है नंबर फोर इज के आप वर्ड प्रेस को कैसे और किधर से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री बिल्कुल सही सुना आपने वर्ड प्रेस इज फ्री टू यूज और ये क्यों है फ्री टू यूज ये हम आगे कुछ लेसन में डिस्कस करेंगे बट वी विल टीच यू ऑन हाउ टू डाउनलोड वर्ड प्रेस फॉर फ्री And the good news about WordPress is that it's free for lifetime. So main aaj मैं आज से pehle साल पहले भी जब kar raha tha कर रहा था aaj bhi wo आज भी वो फ्री है और आगे भी फ्री रहेगा क्यों इसके बारे में कुछ आगे लेसन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नंबर फाइव इज़ कि आप अपनी वर्ड की वेबसाइट की अपेयरेंस को किस तरह से चेंज कर सकते हैं तो so, जिस तरह आपको मैं नज़र आ रहा हूँ कि मैंने क्यों you ना know, ये कोट पहना हुआ है जीन्स पहनी हुई है ये शर्ट पहनी हुई है ये मेरी एक अपेरेंस है बट अंदर से मैं वही हूँ मैं वही साथ हामिद हूँ जिसको आपने बाकी लेक्चर्स में भी देखा होगा या आगे आप देखेंगे लेसन्स में विद अ डिफरेंट अपीरेंस इसी तरह वर्ड की ये बहुत ज़बरदस्त फंक्शनैलिटी है कि वर्ड की अपीयरेंस को आप इजिली चेंज कर सकते हैं तो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट वी विल टीच यू इन दिस कोर्स उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आप पेजेस और पोस्ट्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं तो so वर्डप्रेस में एक फीचर है पेजेस के नाम से इट्स जस्ट लाइक आप कोई भी एक पेज क्रिएट करते हैं अगर आप में से कुछ लोगों ने हमारा डी स्किल्स का एक और कोर्स लिया हो ऑन सोशल मीडिया तो जिस तरह फेसबुक का पेज क्रिएट करते हैं उसी तरह वर्ड पे आप एक पेज क्रिएट करते हैं और वी विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पेजेस नंबर सेवन इज कि आप वर्ड पे डिफरेंट तरह के प्लग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वट आर प्लग इंस प्लग आर एक्सटेंशंस एंड फंक्शनैलिटीज़ जिनको आप इंस्टॉल करके अपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में नई तरह की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं और इसमें से कुछ प्लगइन्स फ्री हैं ज़्यादातर प्लगइन्स फ्री हैं कुछ पेड भी हैं ये एक मेजर लर्निंग आउटकम है कि हम हाँ आपको बताएंगे कि जो आपने फंक्शनैलिटी इस अपनी वेबसाइट में एड करनी है उसके लिए आप किस तरह डिफरेंट तरह के प्लग को यूज़ करते हुए वो फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं वी want टू टीच यू हाउ टू यूज़ wordpress to टू multimedia मल्टी मुझे फोटोज़ खींचने का बहुत शौक है आपको भी फोटोज़ खींचने का बहुत शौक होगा आप लोग वीडियोस भी बनाते होंगे हम आपको ये सिखाएंगे कि यही फ़ोटोज़ और वीडियोस आप अपने मोबाइल से अपनी वर्डप्रेस में कैसे डाल सकते हैं एंड हाउ यू कैन मेक वर्ल्ड प्रेस मल्टी सिस्टम नंबर नाइन अंडरस्टैंडिंग वर्ड इन टू अदर सी एम एस सी एम एस क्या होता है सी एम एस इज अ कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम और आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन हमने आपको यह बताना है कि वाई वर्ड प्रेस इज द बेस्ट कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम आउट देर नंबर टेन इज टू टीच यू कि आप कॉमेंट्स वर्ड प्रेस पर कैसे हैंडल कर सकते हैं सो वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ वर्ड प्रेस इज कि वर्ड प्रेस इज नॉट अ स्टैटिक प्लेटफॉर्म ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि सिर्फ बिल्कुल वहां पे स्टैटिक है या इस पर आप ज्यादा चीजें कर नहीं सकते इट्स अ डायनामिक प्लेटफॉर्म व्हाट इज अ डायनामिक प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे आप टू एंड फ्रो डिफरेंट तरह की डिस्कशंस भी कर सकते हैं थैंक्स टू अ फीचर कॉल कॉमेंट्स विडिट्स क्या हैं विडिट्स लेट्स होल्ड ऑन वी विल टेल यू लेटर विडिट्स आर अमेजिंग न्यू फंक्शनैलिटीज दैट यू कैन एड टू वर्ड अगेन यूजिंग प्लग इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे मैनेजिंग यूजर्स इन साइड वर्ड वर्ड प्रेस इज़ ए यूजर मैनेजमेंट सिस्टम टू तो हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे और आपको सिखाना चाहते हैं इस कोर्स से कि आप यूज़र्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं वर्ड प्रेस में और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माई फेवरेट एंड योर फेवरेट टू इज़ हाउ यू कैन मेक मनी यूजिंग वर्ड प्रेस वर्ड प्रेस को यूज़ करते हुए आप कैसे पैसे भी बना सकते हैं और अपनी आमदनी भी बना सकते हैं और उसके अलावा बेतहाशा और फीचर्स द लिस्ट गोज़ ऑन Uh, जो हम आपको आगे सिखाते रहेंगे बताते रहेंगे आपकी लर्निंग्स भी इस कोर्स में उसके थ्रू होती रहेंगी रिमेंबर सेट योर ऑब्जेक्टिव ये जो सारी मैंने आपको आउटकम्स बताई हैं इसमें से दो या तीन आउटकम्स सेलेक्ट करें और देखें कि वो कौन सी एक चीज़ है जो आप करना चाहते हैं एज इक्वली इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू नो कि आप वर्ड से क्या सीखेंगे क्या कर सकेंगे इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो कि वर्ड से आप क्या नहीं कर सकते या क्या आपको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा सो नंबर वन इज इट्स नॉट अ स्कीम टू गेट रिच क्विकली ये नहीं होगा कि आज आप वर्डप्रस इंस्टॉल करेंगे और कल आप दस करोड़ रुपए बना लेंगे ऑल दो हमारी उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाएं लेकिन आपको इसके लिए सही तरह से सीखना पड़ेगा नंबर टू इज़ लर्निंग एच टी एम एल सी एस एस पी एच पी एंड माइस्क्यूल द फाउंडेशन लैंग्वेजेस हम इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको ये नहीं सिखाना चाह रहे क्योंकि ये थोड़ी एडवांस लेवल चीज़ें हैं लेकिन आप खुद जाके ऑनलाइन इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और डीजी स्किल्स की ऑनलाइन कम्युनिटी जो कि एल और फेसबुक पे भी एग्जिस्ट करती है उस पर जाके आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं उसके अलावा इस कोर्स में हम आपको ये नहीं सिखाएंगे कि एडवांस वर्ड थीम्स कैसे डिवेलप करते हैं ये भी एक चीज़ है जो आपने खुद कम्युनिटी से जाके सीखनी है एक कोट है कि वेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द टीचर विल अपेयर तो so, हम आपको कहते हैं कि आप सीखने वाले बने आप सुनने वाले बने एंड वी विल गाइड यू वी विल टीच यू एंड वी विल हेल्प यू बिकम सक्सेसफुल